आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपका अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। गौहर और काशिफ दोनों ही गरीब ख़ानदानों से तल्लक रखते हैं और अपने अपने ख़ानदानों के मसाइल में उलझे हुए भी होते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन गौहर का कज़न जहांगीर गौहर को पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है और उसके ऊपर नज़र भी रखता है। जहांगीर एक नंबर का वारा लोफर होता है। गौहर का बाप जहांगीर के वालिद से सूद पर कर्जा लेता है, जिसके बदले में वो गौहर को जहांगीर के लिए मांग लेते हैं। गौहर के वालदैन तो राज़ी नहीं होते, लेकिन उसका भाई सलीम ज़बरदस्ती गौहर के रिश्ते की हाँ कर देता है। बुशरा गौहर और काशिफ की कोर्ट मैरिज करवाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। गौहर की मंगनी ज़बरदस्ती जहांगीर के साथ तय कर दी जाती है। अगली किस्त में आप देखेंगे गौहर समीर के ऑफिस में नौकरी कर लेती है। जहांगीर को पसंद नहीं आता कि गौहर नौकरी करे, उसके ख्याल में इस तरह वो उसके हाथ से निकल जाएगी। वो उसको मना करता है, उसके साथ बदतमीज़ी करता है, उसके दफ्तर में जाकर शोर शराबा करता है। समीर जहांगीर को मना करता है, जब बाज नहीं आता तो सारे मामले की छानबीन करता है। सच जानकार और गौहर के वालदेन की परेशानी जानकार वो जहांगीर के बाप का सारा कर्जा सूद समेत उतार देता है और ख़ुद गौहर से मंगनी कर लेता है ताकि जहांगीर के शर से बची रहे। गौहर सर से पैर तक समीर की मशकूर होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।